बहुत ही अच्छी फील्डिंग है। शॉर्ट लेग में खड़े क्षेत्र रक्षक रहमतुल्ला शाहरुख जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, उन्होंने लाजवाब फील्डिंग की। 6 फुट लंबे और जो गेंद 4 रन के लिए निकल जाती, उस चौके को तो इन्होंने बिल्कुल बचाया है। एक लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट, रुकने वाली नहीं है, शानदार छक्का निकलता हुआ। ये लगा ड्यूरियन छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय ड्यूरियन फर्नीचर। लंबा शॉट, बेहतरीन शॉट, 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया है और इसी के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। एक और लाजवाब शॉट, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव किया है, गेंद रुकने वाली नहीं है, ड्यूरियन चौका निकलता हुआ। सूर्या की ये गेंद और सामने की दिशा में गेंद उठी हुई है, नीचे क्षेत्र रक्षक है और इसी के साथ रंजन आउट होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं। तो पहला झटका लग चुका है गया की टीम को, बहुत जल्दबाजी में दिख रहे थे रंजन। विवेक आए हैं भागलपुर की तरफ से 3रा ओवर लेकर। और जब 2 ओवर संपन्न हुए हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके रंजन वापस गए, 19 का योग बनाया, 29 की रन संख्या है गया की। 3रा ओवर, अच्छी गेंद थी, सीधी रहती हुई गेंद थी, लाइन पर पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, घुटने की ऊंचाई से नीचे रहती हुई, अपने सामने दबाना मुनासिब समझा बल्लेबाज कुश प्रताप ने। इसमें नंबर देख लीजिए, अभी ये चल रहा है और यहाँ ये है। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं संतोष, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। यही आपको दिक्कत नहीं होगी, विवेक की गेंद टप्पा पड़ने के बाद एक स्टंप को छकाती हुई निकली, अंपायर अनिल गुप्ता का इशारा वाइट का, और इस एक अतिरिक्त श्रमान के जरिए गया की रन संख्या चली गई कुल 30, 1 विकेट के पतन पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे रंजन, जिन्होंने कुल 9 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का और 3 चौके लगाकर वापस पेवेलियन गए हैं। और क्या असर पड़ता है जब आपका कोई साथी पेवेलियन चला जाए, तो क्या असर पड़ता है, वो असर साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब दोनों बल्लेबाज थोड़ी सी समझदारी के साथ इस पाली को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो साफ नजर आ रहा है इनकी बल्लेबाजी में। विवेक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, बायां पांव आगे रखा, सर को नीचे झुकाया, कॉपी बुक स्टाइल में अपने सामने खेला बगैर किसी रन के। 30 रन गया, 1 विकेट के नुकसान पर भागलपुर की गेंदबाजी हो रही है। 3रा ओवर डाल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से विवेक,
और यहां पर कलाइयां मुड़ी हैं, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, क्षेत्र रक्षक दौड़ लगा रहे हैं फाइन लेग की दिशा में, रोक नहीं पाएंगे अंपायर का इशारा चार रनों का। और ये चेयर्स लीडर के जलवे भी आप देख रहे हैं, क्रिकेट और संगीत का एक अद्भुत संगम आमंत्रण कप के दौरान। सुपौल की आन बान और शान कहलाता है आमंत्रण कप, और उसमें आप दर्शकों की उपस्थिति और भी जान डाल देती है। इस आयोजन में चार चांद लग जाते हैं। विवेक राइट आर्म ओवर द विकेट। उछाल प्राप्त की गेंद पर इस बार विवेक ने कंधे का इस्तेमाल किया था। स्क्वायर लेग में खड़े क्षेत्र रक्षक शाहरुख है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक एक और ओवर संपन्न होता हुआ, तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात गया का कुल योग है 34, एक विकेट के नुकसान पर। और सूर्या ने इस बार अपने कंधे का इस्तेमाल किया और गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद ऊंची उठ रही थी, अपने सामने दबाना मुनासिब समझा संतोष ने। जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का प्रश्न, तो स्लिप का क्षेत्र पूरी तरह से खाली, एक वाइडी शिवदली बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ मिड ऑन शॉर्ट लेग, और एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग, और एक थर्ड मैन थोड़ी सी वाइडिश है, स्क्वाडिश है वे। छह खिलाड़ी ऑफ साइड और तीन खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ अगली गेंद सूर्या करेंगे। संतोष तैयार खेलने के लिए। अंदर की तरफ गेंद आई थी, नीचे रही थी, चूंकि संतोष के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि रंजन आउट होकर वापस पवेलियन चले गए हैं, नंबर तीन बल्लेबाज हैं, और नंबर तीन बल्लेबाजों की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, अगर पहला विकेट जल्द गिर जाए तो उन पर एक जिम्मेवारी आती है कि हम साझेदारी लंबी निभाएंगे। कदमों को आगे बढ़ा लिया था, पहले से शफल किया अपने आप को, कमिट हो गए थे कि सूर्या की इस गेंद पर मैं 38 सर्किल का कुछ फायदा उठाऊंगा, लेकिन गेंद मिड लॉर्ड लेग की तरफ नहीं आई, गेंद टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आई थी, और ऐसे में अगर कलाइयां इनकी मुड़ती तो खतरा मोल लेते हुए। सामने से जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं बतौर ओपनर आए हैं कुश प्रताप, उन्होंने समझाया संतोष को कि 35 ओवर के मुकाबले में आप जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं। और यहां पे एक खराब गेंद, सही नसीहत, ड्यूरियन चौका निकलता हुआ। सूर्या ने फिर से कंधे का इस्तेमाल किया था, जैसे ही संतोष ने देखा गेंद उठ रही अपने सामने दबाया, और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। कुल चार ओवर समाप्त हुए हैं, गया का कुल योग एक विकेट के नुकसान पर 38 रन। कुश प्रताप खेल रहे हैं 10 के निजी योग पर, संतोष खेल रहे हैं 4 पर, आउट होने वाले बल्लेबाज रहे रंजन, जिन्होंने कुल 9 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाकर वापस पवेलियन गए हैं। शरीर के नजदीक आने दिया गेंद को, आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया, गली की दिशा में गेंद गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आप देख रहे हैं भागलपुर बनाम गया का ये मुकाबला, और रनों का जहां तक प्रश्न 39 रन। और यहां पर गेंद टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त की है गेंदबाज विवेक ने। ये कुल 5वां ओवर फेंक रहे हैं विवेक, और 5वें ओवर में रनों पर उन्होंने अंकुश लगा दिया है। गया की टीम का कुल स्कोर 39,
एक विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर। आगे बढ़ाते हुए और यहां पे गलत दिशा का सही उपयोग किया है बल्लेबाज ने, मोड़ दिया है गेंद, बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। फुल लेंथ गेंद को अपने सामने दबाना मुनासिब समझा कुश प्रताप ने। शॉर्ट कवर में क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, 30 यार्ड सर्किल के अंदर प्रथम पावर प्ले चल रहा है। हालांकि इस पावर प्ले का फायदा एक के खिलाड़ी उठा रहे थे रंजन, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में दिखे और नतीजा ये कि उन्हें वापस पेवेलियन लौटना पड़ा। मानो कैच प्रैक्टिस करवा रहे हो। गया का एक और विकेट गिरता हुआ। वेक की गेंद पर आखिरी वक्त में बल्ले को मोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। जहां तक रनों का प्रश्न तो 49 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है गया की पाली में और 7वां ओवर बढ़ा रहे हैं विवेक कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। और जहां तक दर्शकों का प्रश्न, तो दर्शक को मालूम था, कल बताया गया था कि आज का मुकाबला बड़ा ही लाजवाब रहेगा जिसमें रणजी ट्रॉफी स्तर के ढेर सारे खिलाड़ी आने वाले हैं, तो सवे से ही वे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और चारों तरफ धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पर गए, सामने की दिशा में खेला, मिड ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, उन्होंने गेंद की चमक को बरकरार रखी अपनी पतलून पर रगड़ते हुए विवेक को गेंद बढ़ाई और विवेक फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क्स पे दौड़ना शुरू करेंगे। फुल लेंथ गेंद, कदमों को बाहर निकाला था, एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद पूरी तरह बल्ले पर आई नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो अब भी रन रुका हुआ है 49 पर, कुल 7वां ओवर डाला जा रहा है। भागलपुर की तरफ से 2 विकेट का पतन हुआ है, तो इस तरह से माना जा सकता है कि मैच टक्कर की मैच चल रही है। प्रत्येक गेंद में कहीं ना कहीं से आप ध्यान से अगर देखेंगे, क्रिकेट को सिर्फ ये मत देखिए कि बल्लेबाज खेल रहा है, गेंदबाज ने गेंद आकर डाल दी, आप देखिए कि अगर एक चौका लगा, बल्लेबाज ने चौका लगा तो लगाया तो अगली गेंद पर गेंदबाज ने किस तरह से वापसी की। एक लाजवाब ओवर यहां पे संपन्न हुआ है विवेक का और ये ओवर उनका मेडन संपन्न हुआ, मेडन विकेट। और ये देखिए सामने से इशारा आता हुआ विनय झा साहब का कि सेकेंड पावर प्ले यहाँ पे अब लागू होगा करने के लिए दूर वाले छोर की तरफ से। और गौरव के सामने होंगे कुश प्रताप। कुश प्रताप ने गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट लेग की दिशा में धकेलते हुए 50 रन हो गए, 1 रन लिए। दर्शकों जोरदार तालियां, 50 रन पूरे हो गए गया टीम के। गौरव राइट आर्म ओवर द विकेट दीपक विराट के लिए। दीपक विराट ने गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया गेंद को और रन की कोई गुंजाइश नहीं। क्या धमाकेदार शुरुआत की थी रंजन ने, क्या लाजवाब शुरुआत की, मानो लगा कि यहाँ पर आज वो
आकाश राज की तरह शतक ठोक कर जाएंगे, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी दिखाई उन्होंने, वे आउट होकर वापस पवेलियन चले गए। और इस दफे गौरव ने कुछ अतिरिक्त एफर्ट लगाए, कंधे का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा एक्शन भी बदला हुआ उनका नजर आया है। गेंद के पीछे आए हैं, कट किया है और जब तक गेंद फील्ड की जाती पॉइंट की दिशा में, एक रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के जरिए गया टीम का कुल योग चला गया है 51। 51 रन दो विकेट के नुकसान पर गया। आठवां ओवर डाल रहे हैं भागलपुर की तरफ से गौरव है, बदलाव किया गया है गेंदबाजी में, फिर की आक्रमण स्पिन अटैक लगाया गया है भागलपुर की तरफ से। क्रिज के दूर से गेंद फेंकी गई थी, उठी नहीं, ज्यादा ऊंची उठी नहीं, बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए सचिन। और अंदर की तरफ गेंद आई थी, ऑफ ब्रेक गेंदे कर रहे हैं, और आजकल जहां तक क्रिकेट का प्रश्न, तो सारे खिलाड़ी थोड़े से पैशनेट हो गए हैं, थोड़े से उन्होंने अपने आप को नए फैशन के अनुरूप ढाल भी लिया है। शुरुआत की तीन गेंदों में कोई रन नहीं लेने दिया बल्लेबाज। दीपक विराट और कुश प्रताप की जोड़ी बीच मैदान में है, कुश प्रताप के लिए ये गेंद करेंगे अब सचिन कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। हल्की सी थोड़ी सी फ्लाइट, ज्यादा फ्लाइट दी नहीं सचिन ने, चूंकि एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन भी लगा हुआ है, बल्लेबाज भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल सही निर्णय अंपायर का, उन्होंने इशारा किया वाइड का। अंपायर हैं अनिल गुप्ता बीसीए पैनल के और श्री विनय झा। अतिरिक्त के जरिए 53 रन गया तो विकेट के पतन के पश्चात और यहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर सही प्रहार किया है, गेंद चली जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। चारों तरफ ये भीड़ आप देख सकते हैं YouTube चैनल के दर्शकों, किस तरह से यहाँ पर दर्शक आते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है बिहार के अंदर सुपौल डिस्ट्रिक्ट, और बड़ा ही पॉपुलर यहाँ पे टूर्नामेंट खेला जाता है, आमंत्रण कम। और एक लंबी गेंद, फुल लेंथ की गेंद के आने का इंतजार किया अपने सामने खेला, हालांकि गिल्लियां भी बिखेर दी गई, वासुकीनाथ मिश्रा का सटीक थ्रो वहां पे आया है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली थी। इस सिंगल के जरिए गया का कुल योग चला गया है 63 रन दो विकेट के नुकसान पर। कुश प्रताप समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं,
शानदार चौका प्राप्त किया है यहाँ पर, कुश प्रताप काफी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। और ये देखिए चीयर्स लीडर के जलवे का आनंद लीजिए आप। एक लाजवाब शॉट निकलता हुआ, अंपायर का इशारा 6 रनों का, लाजवाब छक्का निकला है। कदमों का इस्तेमाल किया विराट ने, कदमों का इस्तेमाल किया था विराट ने, और एक बड़ा ही खूबसूरत शॉट इनके बल्ले से वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाल कर मारा गया छक्के के लिए। अभी अभी छक्का लगा और इस छक्के की मदद से टीम की कुल रन संख्या चली गई है 77 रन। 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात बने हैं, 2 विकेट का पतन हुआ है। 4 बार 5 बार अभी फिर बदीना पट्टी की तरफ। और ये चंदन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अर्शद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर की तरफ से। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और लगातार ये अब स्पिन अटैक। ए विवेक, चंदन है ना, कलाइया मुड़ी यहाँ पर, हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में धकेलते हुए 1 रन लिया। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं कुश प्रताप और सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुद के बल्लेबाजी पर भी ध्यान रखते हैं और साथ ही खिलाड़ी को भी नसीहत देते रहते हैं कि आप किस तरह से खेलें जिससे हमारी पारी आगे बढ़े। सचिन ने डंडे बिखेर दिए हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे कुश प्रताप और 3रा विकेट गिरा है गया का। ड्यूरियन चौका निकलता हुआ और ड्यूरियन फर्नीचर के डीलर हैं सत्यम इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर श्री चंदन भगत। लाजवाब शॉट, नए आए हुए बल्लेबाज विजय जेना के बल्ले से ये बिजली कौंधी और गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। कमाल हो गया कल, ऐसे एक कैच को हमने देखा था और एक लाजवाब कैच अभी पकड़ा गया है। एक और झटका लगता हुआ, यहां पर एक और झटका लगा है गया की टीम को और जो गया की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि चौथा विकेट भी यहां पर गया का गिरा है जबकि रनों की कुल संख्या 87, 4 विकेट के नुकसान पर 87 रन। 14वां ओवर डाला जा रहा था भागलपुर की दिशा से, भागलपुर की ओर से एक नए बल्लेबाज की एंट्री हुई है और ये देखिए चीयर्स लीडर के जलवे। एक और विकेट का यहां पर पतन हुआ है, सीधी रहती हुई गेंद, नीची रहती हुई गेंद और पिछले योग पर ही ये झटका लग गया। 5 विकेट चले गए हैं, 5 विकेट का नुकसान हो गया गया टीम का और विकेट का यहां पे पतन हो चुका है। गलत शॉट, छठा विकेट गिरता हुआ गया की टीम का। विजय जीना भी आउट होकर वापस पेविलियन आ रहे हैं और स्कोर वहीं पर अटका हुआ है 87 पर 4, 87 पर 5 और 87 पर 6 विकेट गंवाकर संकटों में घिर गई है गया की टीम। नहीं, और एक और विकेट गिर गया, 8वां विकेट गिरा है 97 पर। गया
97 रन पर 8 विकेट गवाकर संकटों में घिर चुकी है। और ये देखिए YouTube चैनल के दर्शकों, ये प्यारे प्यारे दर्शक को मैं अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा हूँ। हमारे दाहिनी तरफ ढेर सारे दर्शक इकट्ठे हैं, काफ़ी संख्या में आज आए हैं और चारों तरफ का नज़ारा मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए सामने की तरफ चीयर्स लीडर और हमारी बाईं तरफ आयोजन समिति की कुर्सियाँ लगी हुई हैं और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठी हुई खुद तनिषा भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। बंटी मिश्रा की तरफ से, बंटी मिश्रा हैं समाजसेवी हैं, उनके तरफ से आयोजन समिति के सारे। हवा में उछला हुआ क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे जा रहे हैं और क्या लाजवाब कैच पकड़ा है यहाँ पर, जितनी प्रशंसा की जाए कम। और इस प्रकार कोई भी बल्लेबाज टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी बल्लेबाज को अपनी जिम्मेवारी समझ में आज नहीं आई। इतने बड़े टूर्नामेंट में हम खेलने आए और हमें किस तरह से खेलना है। और ये चीयर्स लीडर के जलवे को आप देख सकते हैं, क्रिकेट के साथ साथ संगीत का संयोजन बड़ा ही लाजवाब। तो इस प्रकार अब पिच पर गया की आखिरी जोड़ी नजर आ रही है, जबकि 20वां ओवर ही चल रहा है और इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 15 ओवर शेष बचे हैं। क्या करेंगे विनय, यहां पर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे? वे लीडर हैं अपनी टीम के, नायब हैं, वे क्या करना चाहेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अर्शद की गेंद पर कदमों को बाहर निकाला था, ड्राइव की गई गेंद और जब तक मिड ऑन की दिशा में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को माप लिया। एक और ओवर संपन्न, सफलतम ओवर संपन्न हुआ है अर्शद के द्वारा। अर्शद ने अब तक कितने कुल विकेट प्राप्त किए हम आपको बता देना चाहेंगे। अर्शद ने 3 सफलताएं अर्जित की, सचिन को मिली कुल 4 सफलताएं, बाद की सफलताएं तेज गेंदबाजों ने प्राप्त की हैं। 9 में से 7 विकेट स्पिनर लिए। बिल्कुल, ये एक संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्पिनर्स आज कितने प्रभावशाली साबित हुए हैं। सुपौल के गांधी मैदान पर उन्होंने अपनी छठा बिखेरी है, लाजवाब प्रदर्शन उनका हुआ है। गया की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 103 रन, 20 ओवर संपन्न हुए हैं। कार्तिक के रूप में एक नए बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं, विनय स्ट्राइकिंग एंड पर। और यहां पर फॉलो थ्रू में हाथों से छिटकती हुई गेंद निकल गई, अन्यथा गया की टीम का पुलिंदा यहीं पर बंध जाता। तो इस सिंगल के जरिए गया टीम का कुल योग 104 रन 9 विकेट के पतन के पश्चात। ओवर नंबर ये कुल 21वां डाला जा रहा है सचिन के जरिए। सचिन 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, अर्शद ने 3 सफलताएं अर्जित की। आज स्पिनर्स का प्रदर्शन बड़ा ही लाजवाब रहा है आमंत्रण कप के अंदर। सचिन आज बात कर लेंगे ना, अभी थोड़ा देर बाद। कार्तिक के लिए मिडल और लेग स्टंप की तरफ ये गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। सचिन ने दौड़ लगाई, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया और बुलंद इरादे के साथ अपने बॉलिंग मार्क की तरफ रवाना हो गए हैं। अभी 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 हम आज बात कर लेते हैं फादर में, गेम खत्म होता है। और यहाँ पर इसी के साथ फॉल ऑफ 5 विकेट्स प्राप्त किया है सचिन ने और गया की टीम कुल 104 रनों पर ऑल आउट हो गई। स्कोरिंग कर रहे हैं, स्कोरिंग करना चाहता है, मैच खत्म हो रहा है इसीलिए।
और ये देखिए YouTube चैनल के दर्शकों, स्कोर बुक मैं दिखा रहा हूँ। हमारे साथ अमित अग्रवाल और विनय कुमार जी हैं। साथ ही साथ हम दिखाना चाहेंगे तनिषा को, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं खुद यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम आमंत्रण कप में यहाँ पर मौजूद हैं आंखों देखा सुनाने के लिए। गया की टीम 104 रन पर ऑल आउट हो गई है और भागलपुर को जीतने के लिए लक्ष्य दिया है कुल 105 रनों का। लक्ष्य ब्रेक हो